अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हूर फातिमा और आप देख रहे हैं मुमताज न्यूज। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। सीनियर सहाफी मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट के मुताबिक म्युनिसिपल सर्विसेज अथॉरिटी कवानीन में तरमीम के लिए ज़ेली कमेटी कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज की कायम करदा कमेटी का वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे वज़ीरा ख्वाजा सलमान रफीक सुहैब भरत, पार्लियामानी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट खुर्रम खान विरक की भी शिरकत। लाहौर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की कायम करदा खसूसी कमेटी का इजलास वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में हुआ। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक, वज़ीर मौसलात और तामीरात मलिक सुहैब अहमद भरत, पार्लियामानी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट खुर्रम खान विरक, सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद और दीगर मुतालिक अफसरों ने शिरकत की। इजलास में तमाम म्युनिसिपल खदमात के लिए सूबे सतह पर अथॉरिटी के क़याम पर गौर किया गया। इस मौके पर महकमे बल्दियात और महकमा हाउसिंग के अफसरों पर मुश्तमिल ज़ेली कमेटी कायम की गई, जो 4 अक्टूबर तक मौजूदा कवानीन में तरमीम के लिए अपनी सिफारिशात और तजावीज़ पेश करेगी। इजलास से खताब करते हुए वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि सैनिटेशन और वाटर सप्लाई हर इलाके का बड़ा मसला है। इसमें कोई दो राय नहीं कि निकासी आब और वाटर सप्लाई जैसे खदमात एक अथॉरिटी के तहत होने चाहिए। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ चाहती हैं कि एक इदारा तमाम म्युनिसिपल खदमात पर जवाबदार हो।